हेलो इंजीनियर्स, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे वॉरियर्स, मैं आरके मिश्रा इंजीनियर सर आपका स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का। एक बार सभी विद्यार्थियों को ऑडियो और वीडियो सब कुछ आ रहा है तो मुझे कमेंट में बताइएगा आज की सुपर क्लास। हाय हाय जैक बेटा, विकास एंड अपूर्वा, बाकी सभी एस्पिरेंट्स आ जाओ और आज की क्लास को शुरू करते हैं। मेरे प्यारे वॉरियर्स, गुड इवनिंग सभी बच्चों को, नमस्कार। और दिवाली के बाद आज दूसरी मुलाकात है हमारी। हमें उम्मीद है कि कुछ लोग आज दिवाली मना के आ रहे होंगे छुट्टियों से, कुछ लोग आने वाले समय में। ये जो बार्क के 10 दिन का चैलेंज था, आज उसका 7वां दिन है। ये सिर्फ आपकी वजह से, आपका पेपर था तो मुझे लगा कि बार्क जैसे एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो कम से कम अपने एस्पिरेंट्स को 10 मॉक टेस्ट दे दिया जाए। मैं सचिन आज भेज दूंगा पीडीएफ में, आज आपको पीडीएफ भेज दूंगा, डोंट वरी। कल थोड़ा सा मेरा मूड ऑफ था इस वजह से कि बहुत सारे बच्चे आए, क्योंकि मैं आप लोगों को दिवाली नहीं मनाया और आपके लिए कल लाइव आया। शुरू किया जाए आज की क्लास। एक बार मुझे बता दो, सभी लोग बताओ आज की क्लास शुरू किया जाए, अब कैसे हैं आप लोग यार? और मुझे पता है कि आप लोग बहुत मेहनत, मुझे पता है कि आप लोग अपने एग्जाम के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो। मैंने भी पूरी कोशिश की है कि आप लोगों के हाय दोस्त साहब सभी लोगों को एक चीज मैं आप लोगों को उस बात बता दूंगा। मैकेनिकल के महापैक में डबल वैलिडिटी के साथ इनरोल करने का आज लास्ट डे, 2700 रुपए में आप लोग मैकेनिकल के महापैक में यकीन बैच, अर्जुना 2.0 एंड सारे एग्जामिनेशन के बैचेस मिल जाए। ज्वाइन करते समय रेफरल कोड जो मैक्सिमम डिस्काउंट का है Y201, इसमें आपको अपकमिंग 2 साल तक की लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, ई बुक प्लस पुराने रिकॉर्डेड बैच, वो सब मिलेगा। चलिए पहला क्वेश्चन आपका है कि फॉर द एनालिसिस ऑफ थिक सिलेंडर कौन सी थ्योरी हमारी एप्लीकेबल होती है? फिक्स सिलेंडर की आ जाएगा आज या कल में आ जाएगा, लामीज थ्योरी, रैंकाइन थ्योरी, वाइजन थ्योरी या कॉर्नबर्न थ्योरी? फटाफट आप लोग जवाब दो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि हर कोई इसका जवाब देगा, क्विक जल्दी से। आज पूरा ही करवाऊंगा बेटा, आज पूरा ही करवाऊंगा। देखो यहां पर राइट आंसर, देखो यहां पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, यहां पे राइट आंसर हमारा ऑप्शन ठीक के लिए लामीज थ्योरी होता है, याद रखिएगा लामीज थ्योरी होता है जिसमें हुप स्ट्रेस हमारा क्या होता है, ए प्लस बी बाई आर स्क्वायर, ज्यादातर सही है। तो लामीज थ्योरी का यूज करते हैं ठीक के लिए। तो इसमें पहले क्वेश्चन का जवाब किसने दिया था? बहुत अच्छा, शानदार रिस्पॉन्स। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू लामीज थ्योरी हुप स्ट्रेस हमारा किसके अकॉर्डिंग वेरी करेगा? अभी अभी आपका लामीज पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन और ये भी क्वेश्चन आए, तो फटाफट यार जवाब दो, मुझे उम्मीद है कि आप लोग जवाब दोगे। क्विक सभी लोग सटीक जवाब दे यार, सभी लोग सटीक जवाब दें, एकदम तगड़ा वाला। और देखते हैं आप लोगों में से सबसे पहले इसका रिस्पांस कौन करता है। तो यहाँ पे ए प्लस, हाँ बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपको ये बताना है सिंपली सपोर्टेड बीम लोडेड एज शोन इन द फिगर, आपको बताना है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द बीम विल बी। अब देखो कहाँ गए बाकी सभी लोग, कहाँ गए यार? एक आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है और आपको इसमें बताना है कि मैक्सिमम शियर फोर्स इन द बीम विल बी 0W, 2W और 4W। सारे लोग फटाफट जवाब दो और मुझे भरोसा है कि आप लोग रिस्पॉन्स करोगे। अच्छा क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में एसएफडी बीएमडी के क्वेश्चंस आते हैं, यही थॉट प्रोसेस को रखते हुए मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चंस रखा है। तो यहां पे 4W A 0, देखो इसमें हमें क्या करना है ना, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, हमें एक गजब की ट्रिक इस्तेमाल, खतरनाक की ट्रिक। देखो कुछ भी कर लो, लोड ये आपका यहां पर सपोर्ट है, लोड बड़ा सिमेट्रिक है, बड़ा ही सिमेट्रिक लोड है एल डिस्टेंस पे, यहां से भी यहां से भी, बीचों बीच हमारा 2W लोड है। तो यदि मैं रिएक्शन निकालने की कोशिश करूंगा आर ए और आर बी दोनों सपोर्ट पे इक्वली डिवाइड हो जाए, टोटल लोड हमारा कितना है 4W, लोड जो इक्वली डिवाइड होगा वो दोनों पे इक्वल हो जाएगा, तो लोड हमारा 2A हो जाएगा, क्योंकि हमारा आर ए प्लस आर बी दोनों का सम कितना हो जाएगा 4W, क्योंकि लोड अगर हमारा डिवाइडेड है तो ऑब्वियस बात है
लोड यदि हमारा डिवाइडेड है आर ए प्लस आर बी दोनों का सम 4W हो जाएगा और आर ए की वैल्यू 2W, आर बी की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 2W आ जाएगी। अब देखो जब हम इसका शियर फोर्स कैलकुलेशन करेंगे, देखो मुझे इतना पता है अगर मैं यहाँ पे बोलूँ जो सपोर्ट पे आर ए और आर बी है वही हमारा शियर फोर्स की मैक्सिमम है, तो शियर फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू हमारा सपोर्ट पे ही हो जाएगी क्योंकि 2W हो जाएगी। और जब मैं इसका एसएफडी बीएमडी ड्रा करने की कोशिश एसएफडी आपका इस तरह, एसएफडी हमारा इस तरह, इस तरह से इसका एसएफडी, ये हाइट हमारी 2W, ये हाइट हमारी 2W। आप सोचो कि मैक्सिमम शियर फोर्स यहां पे कितना आ गया, देखो 4W आपका ये W, 2W टोटल हमारा मिला के 4W। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और आप लोग यहां पे गलत कर बैठे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ फीड वाटर आउटलेट एंड टेम्परेचर ऑफ स्टीम इंटरिंग द हीटर इज कॉल्ड। आप लोग ये वाला क्वेश्चन का जवाब देना यार, तो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दो। और गाइस देखो यार आज पूरी कोशिश किया हूं कि बहुत ही बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस कराया जाए और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको करोगे यार, मुझे उम्मीद है कि आप लोग करोगे इसको। तो बार्क जैसे एग्जाम को कैसे आप लोग टारगेट करोगे बताओ यार, अब तो मुझे लग रहा है कि यार आप लोग टिकट सीरियस गाइस इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू, आप सब लोग यार पार्टिसिपेट करोगे तभी मजा आएगा यार, बहुत मजा आएगा तभी यार जब आप सब लोग यार बहुत शानदार तरीके से यहाँ पे बहुत अच्छा यार बिल्कुल यहाँ पे देखो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा LM2। तो अगर हम बात करें दो चीजें, अकॉर्डिंग टू डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ फीड वाटर आउटलेट एंड सैचुरेशन, तो ये और ये यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस और यहाँ के टेम्परेचर, यहाँ पे हम लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत शानदार क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। आगे बढ़े फटाफट मुझे बता दो यार, आगे बढ़े मेरे प्यारे वॉरियर्स, आगे बढ़े एक बार मुझे बता दो लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर बात है ना। बहुत अच्छा शानदार रिस्पॉन्स, और मैं ये देखना चाहता हूं कि ये वाला क्वेश्चन सबसे पहले कौन खेलता है 30 सेकेंड में, मैं स्पेशली वाच करूंगा सबसे पहले 30 सेकेंड में किसका रिस्पांस आता है। टाइमर भी लगा देता हूं 30 सेकेंड, यू शुड रिक्वायर्ड हियर 30 फॉर ए गिवन सेट ऑफ ऑपरेटिंग प्रेशर ऑफ रंकाइन साइकिल हाईएस्ट एफिशिएंसी अकर है। आपको बताना है कि इसे हाईएस्ट एफिशिएंसी किस में अकर, 30 सेकेंड में सैचुरेटेड साइकिल, सुपरहीटेड साइकिल, रीहीट साइकिल या रीजनरेटेड। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइस इस पर्टिकुलर केस में हमारा हाईएस्ट एफिशिएंसी हो, और मुझे भरोसा है कि आप लोग जवाब दोगे। और यार देखो मजा तो तभी आएगा जब हमारे सभी वॉरियर्स आ गए। अपूर्वा ने सबसे पहले डी आंसर दिया, सबसे पहले अपूर्वा का आंसर, तो क्या बाकी लोग भी अपूर्वा से सहमत हैं? सुदीप ये लोग ऑप्शन नंबर सी से डी से सहमत हो? देखो मैं अगर आपको बोलूं हाईएस्ट इफिशियंसी आपकी डेफिनेटली ऑप्शन नंबर डी होगा, फिर उसके बाद पहले हाईएस्ट इफिशियंसी इसकी होगा फिर इसकी। अगर हमारा रीजनरेटिव, देखो रीजनरेशन में क्या करते हैं, क्या करते हैं देखो इफिशियंसी क्या होता है, डब्ल्यू नेट बाई बेसिकली क्या करते हैं रीजनरेशन में हीट सप्लाई ऑटोमेटिक। यार देखो अगर हीट सप्लाई को कम करोगे तो
हाँ यहाँ पे डब्ल्यू नेट हमारा कौन सा ऑटोमेटिक। अब हीट सप्लाई को कम कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं बेसिकली स्टीम को ना कुछ बीच से ही एक्सट्रैक्ट कर, और इसी एक्सट्रैक्ट किए हुए स्टीम को ना हम यूज करते हैं फीड वाटर को गर्म करने में। रीहीट थोड़ा सा मैं बताता हूँ बेटा, मत करो है ना। तो रीहीट में क्या होता है ना, रीहीट में हमने कुछ नहीं, साइंस बात, ये आपकी टरबाइन है, ये आपका टीएस है, एक पहले टरबाइन में एक्सपेंशन कराया, एक मान के चलो कराया। अब मुझे लग रहा है कि स्टीम वेट हो रहा है, अब टरबाइन में एक्सपेंड हुआ, अब मुझे लग रहा है कि स्टीम के अंदर मॉइस्चर आ, तीन से चार स्टीम के अंदर मुझे लग रहा है कि मॉइस्चर आ, फिर से इसको क्या करूंगा, हम बॉयलर में डाल देंगे। अब इसको हम बॉयलर में डालेंगे तो फिर से ये गर्म हो जाएगा, फिर से ये गर्म होकर के यहाँ पर 4 डैश पे, फिर आपका फिर से एक्सपेंशन हो। आप देख रहे हो यहाँ पे हीट सप, यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट सप्लाई भी बढ़ रहा है और W टरबाइन का वर्क भी बढ़ रहा है, टरबाइन का वर्क बढ़ रहा है, W नेट भी बढ़ रहा है। तो रीहीट साइकिल से हमारा एफिशिएंसी क्या होगा, एफिशिएंसी हमारा W नेट बाई हीट सप्लाई। देखो रीहीट से क्या होता है कि W नेट भी बढ़ता है, हीट सप्लाई भी। तो अगर W हीट सप्लाई हमारा कॉन्स्टेंट होता तो रीहीट से एफिशिएंसी बढ़ जाती, हालांकि ओवरऑल बढ़ती भी है लेकिन स्लाइड बढ़ती, ओवरऑल बढ़ती भी है तो स्लाइड बढ़ती, ये चीज़ है। लेकिन रीजनरेशन से हमारा डायरेक्ट हमारा, अब दूसरे फिर इसको हम इसको फिर से इसको क्या करेंगे, दूसरे टरबाइन में डाल देंगे, फिर से इसको हम दूसरे टरबाइन में डाल देंगे। ये हमारा रीहीट, हमारा हाई प्रेशर टरबाइन है और ये हमारा लो प्रेशर, फिर से हमारा 4 से 4 डबल, ये आपका पूरा का पूरा रीहीट। ठीक है वॉरियर्स, पर मुझे कमेंट में बताओ सो दैट मैं आगे की तरफ पढ़ूं, आप लोगों जल्दी से मुझे बताना है। अगला क्वेश्चन, व्हाट शुड द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डायनेस फ्रैक्शन फॉर द टरबाइन, आपको मुझे बताना है कि स्टीम टरबाइन के लिए लिमिटिंग वैल्यू हमारी, और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग रिस्पॉन्स करोगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। क्रिया बेटा आपके डाउट क्या है, फिर से कमेंट करो। इसमें आपको बस इतना बताऊं कि रेगुलर आप शाम को 7 बजे नहीं भी आप रहो, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं, आप शाम को 7 बजे अपना परिवार समझ, यहाँ पे हम सब देखो यार, यहाँ पे अगर मैं आपको सबसे पहले देखो डायनेस फ्रैक्शन की वैल्यू जो तो हमारा फ्रेंड्स, तो इसमें क्या होता है कि जब कोई हमारी जब हमारी कोई टर्बाइन होती है, जब टरबाइन में हमारा जैसे अगर हमारा ड्राइनेस फैक्टर 0.8 मतलब लिमिट है हमारा इतना, इससे कम हो जाएगा मॉइस्चर हमारा टरबाइन में इतना आ जाएगा, मॉइस्चर हमारा टरबाइन में आपकी ब्लेड खराब, ब्लेड आपकी खराब, ब्लेड आपकी खराब हो जाएगी। ये जो लिमिट दी गई है बेटा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है बेटा। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर, तो अगर ब्लेड हमारा खराब होगा तो ऑब्वियस बात है, ब्लेड हमारा खराब होगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द, ये तो हो ही गया, इन सिंपल इंपल्स टर्बाइन नोजल एंगल एट द एंट्रेंस व्हाट शुड बी द स्पीड रेशियो फॉर मैक्सिमम डायग्राम एफिशिएंसी। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, और आप लोगों में से देखते हैं सबसे पहले रिस्पॉन्स, जल्दी से मुझे बताना यार। और गाइज यार क्या हाल है यार, मतलब आप लोगों के लिए इतना बेहतरीन सेशन डिजाइन किया है ना गाइज, जल्दी से आप लोग रिस्पॉन्ड करो यार, बहुत मजा आने वाला है यार, और फटाफट यार सभी लोग सेशन को शेयर करो, आप लोगों के लिए ही सेशन है, और मैं आपको बता रहा हूँ फ्री में सेशन है यार, फ्री में सेशन है, सबसे बड़ी बात है कि फ्री में सेशन है आप लोगों के लिए। और जितने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं ये गलत बात है,
मैं आपको लेटरली बताऊं, ये बहुत गलत है यार। वो सारी जानकारी मुझे अभी नहीं है, मैं उस पर एक बार मुझे कमेंट, वीडियो ख़त्म हो जाने के बाद कमेंट करना पूरा सारा डिटेल क्वेश्चन, सो दैट अगर मैं जानता हूँगा तो ज़रूर रिप्लाई करूँगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल इम्पल्स टर्बाइन नोजल एंगल एट एंट्रेंस इज 30 डिग्री, बट रेशियो क्या, रेशियो हमारा यू बाई वी, यही हमारा इस, और ये हमारा कास अल्फा बाई मैक्सिमम की गई। कास अल्फा हमारा कितना, कास 30, साइन 30 की वैल्यू। अब यहाँ पे यार आपको करना पड़ेगा बाई टू। अब यहाँ पे राइट आंसर एक बार सॉल्व करके मुझे बताओ सर, यहाँ पे राइट आंसर सॉल्व करके बताओ यार, राइट आंसर हमारा सॉल्व करके बताओ प्लीज। आप लोग यहाँ पे मुझे बताना कितना आया सॉल्व करने के बाद, नहीं 0.433 तो आप एक बार मुझे कंफर्म करोगे तब मुझे भरोसा होगा, और मुझे भरोसा है कि आप लोग इसको ज़रूर कंफर्म करेंगे। और हाँ, रूट 3/4 अगर आपको 0.33 आ रहा है तो 0.433 आ रहा है तो गुड यार, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, हाँ बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, चलो अच्छा है। अगला क्वेश्चन, इन द इन इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ 2 bar वॉल्यूम ऑफ लिक्विड 5.01% इन बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ लिक्विड विल बी व्हाट। अब मुझे लग रहा है कि बार के वाले बच्चों को थोड़ा सा सेल्फ स्टडी के लिए टाइम देना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी के लिए टाइम देना पड़ेगा, और वो अब प्रैक्टिस नहीं। मैं भी एक बार थोड़ा सा यार सेशन दम लगा के शेयर कर दूं, आप लोग भी यार शेयर कर दो फटाफट, सो दैट कि मज़ा आ जाए यार, मज़ा आ जाए। और आप लोग क्या है कि मुझे रिस्पांस बहुत स्लो है यार, बहुत ही स्लो रिस्पांस है यार, बहुत स्लो रिस्पांस, कैसे कैसे काम चलेगा यार। कैसे कैसे काम चलेगा बच्चों, जान लगा दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, जान लगा दे रहा हूँ पूरा, और आप लोग अगर गायब रहोगे तो फिर तो मज़ा नहीं आएगा। कैमरे थोड़ा सा राइट साइड, ठीक है अभी सेट करता हूँ। अब तो मुझे लग रहा है कि सही, अब तो आपका सही हो गया, अब आप लोग इसका जवाब दे सकते। देखो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सोचना यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा जो बल्क मॉडुलस का फार्मूला होता है वो आपका क्या, माइनस में बाई वॉल्यूमेट, प्रेशर को कितना बढ़ाया भाई, माइनस 2 bar प्रेशर हमारा 2 bar बढ़ाया गया, 2 bar बढ़ाने से आपको बार को पास्कल में कन्वर्ट कर दिया, वॉल्यूम हमारा 0.01% फ्रैक्शन में चेंज करोगे सब होगा डिवाइड, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यहाँ पे माइनस में। अब आपको पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट, पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट वाली बात, हमें अब चीज़ों को पुट करके सॉल्व करना आया ज़रा बताइए। मुझे ऐसा लग रहा है कि 2
9 आ जाएगा, 2 × 10⁻, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। तो हाउ मेनी ऑफ यू रिस्पॉन्डिंग करेक्टली, हाउ मेनी ऑफ यू रिस्पॉन्डिंग करेक्टली, आप लोग मुझे लोग हो जो आप सही। तो ये आपको जाएगा टॉपर नेक्स्ट। आप ये क्वेश्चंस बहुत ही बेहतरीन है यार, मुझे लग रहा है कि फ्लूइड मैकेनिक्स बार्क का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, ट्राई करो यार आप कोई ट्राई करो, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। और मेरा ये एक्सपेक्टेशन है कि ये क्वेश्चंस हर कोई जवाब देगा, हर कोई जवाब देगा, हर कोई इसका जवाब देगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग रिस्पॉन्ड करो, मैं चाहता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन का रिस्पॉन्स जरूर करो यार। देखो इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों के लिए टाइमर भी लगाता हूँ, टाइमर भी लगाता हूँ, करना हर कोई यार ट्राई करना, आपको 30 सेकेंड। शॉक वेव्स, दो सेपरेशन, कैपिलरिटी, कैविटीज, कुछ चीजें तो हम लोगों की जबान पे होता है, जैसे कैविटेसी, कैविटेशन का संबंध वेपर प्रेशर, दो सेपरेशन, एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट, और कैपिलरिटी राइज, सरफेस टेंशन, शॉक वेव्स, कंप्रेसिबिलिटी। समय खत्म, कैसे करता हूँ जुगाड़, जादू देखो मेरा, मेरा जादू देखो आप लोग। शॉक वेव्स का तुरंत हम कंप्रेसिबिलिटी, दो सेपरेशन का चौथा करेंगे, कैपिलरिटी का सरफेस टेंशन, कैपिटेशन का लो प्रेशर, थ्री फोर वन टू कोई ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन नंबर सी 3 4 1 2। तो खत्म जुगाड़, 3 4 1 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, तगड़ा वाला। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, इफ द ग्रेट एंगल ऑफ द आउटलेट देन द मैक्सिमम हाइड्रोलिक एफिशिएंसी ऑफ द आइडियल इंपल्स टर्बाइन विल बी व्हाट। गाइस कहाँ चले जाते हैं यार आप लोग यार, सब मतलब मैं आपको बताऊं, इस पे आपके पेपर में अक्सर मैंने क्वेश्चंस देखा है, ट्राई करो यार हर कोई, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चंस, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चंस। गाइस इस क्वेश्चंस का रिस्पांस मैं आपके कमेंट में हर एक शेर का जानना चाहता हूं, ये सिरिनियों आप लोग जवाब देना कमेंट में जरूर, बहुत ही बेहतरीन, मैं यही कहूंगा आप लोगों से। क्या बात है भाई, रिस्पॉन्स भी आ गया, मजा आ गया भाई। 1 + cos α/2 राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, बहुत अच्छा सा 1 + cos α। ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ द टर्बाइन मींस, 10 सेकंड का सवाल है, अगर आएगा तो यस, नहीं आएगा तो मात्र 10 सेकंड का सवाल। यार इतना बड़ा परिवार है हमारा, इतना बड़ा परिवार है, 1,00,000 से भी ज्यादा लोग हैं यहाँ पे, और के इतने ही ऑडियंस हैं। सब यार सोचो कि एक टीचर 2-2, 3-3 आप लोगों की, आप बहुत सारे बच्चे जो नहीं आ पा रहे हैं इसमें ट्राई करो यार। यहाँ पे देखो राइट आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। अगर मैं बात करूँ कॉन्स्टेंट ऑपरेटिंग करेक्टरिस्टिक कर्व जब भी ट्राई किया जाता है तो इस, बाकी देखो लोड और है ये सब हमारे चीज, तो बेसिकली ऑपरेटिंग करेक्टरिस्टिक कर्व में बर्नौली इक्वेशंस रिफर्स टू कंजर्वेशन ऑफ, आसान क्वेश्चन याद हो गए, इससे आसान क्वेश्चन एग्जाम में अगर कभी आ गया तो मुझे लग रहा है कि कुछ भी नहीं हो सकता, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, ट्राई करो एक बार। नर्जी बर्नौली क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन मैंने डाला, देखो मास पे हमारा कंटिन्यूटी, मोमेंटम पे हमारा यूजर्स वाला है, यूजर्स मोमेंटम, और एनर्जी पे हमारा बर्नौली, फोर्स आपको भी पता है नथिंग बट, तो राइट आंसर यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी क्वेश्चंस के एक यूनिफॉर्मली सिंपली सपोर्टेड पॉइंट एट द सेंटर, द डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम विल बी, हर एक एग्जाम में आप देखते होंगे, हर एक एग्जामिनेशन में ये आप क्वेश्चन देखते होंगे, ये नहीं लगता है आप लोगों में से कोई गलत करे, सर रट गया होगा ये क्वेश्चन, तो मैं मॉडल पेपर आप लोगों से डिस्कस तो मुझे कराना चाहिए, ये क्वेश्चन जरूर कराना चाहिए, साथ करा दिया हूँ आप साथ ना दे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ लोग सीख गए हैं
फिर भी मुझे लगता है कि आपका यहाँ WL³ / यहाँ पे W8/48 यही होगा पॉइंट लोड आपका सिंपली, और यहाँ पे लोडिंग सर UTL लोड हो जाए, आपका UTL लोड हो जाए 5 12 के पावर 4/84 वो आपको यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन, कैंटिलीवर बीम है डिफ्लेक्टेड एट द एंड ड्यू टू द पॉइंट, ओके स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कनेक्ट्स को, लोड एंड लेंथ दोनों डबल कर दिया जाए देन डिफ्लेक्शन विल बी व्हाट, देन आपको डिफ्लेक्शन कितना फटाफट जल्दी से क्विक जवाब दो यार, क्विक जवाब दो बेटा, डिफ्लेक्शन हमारा कितना, आपको बताना है डिफ्लेक्शन कितना। यार वैभव बहुत सारे बच्चे यार आज नहीं, यहाँ पे देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो फार्मूला अगर आपको पता होगा तो यार यहाँ पे डिफ्लेक्शन का फार्मूला होता है देखो डबल किया गया लोड को भी डेल्टा एस क्या हो जाएगा W, लेंथ को डबल करोगे तो 8L³ हो जाएगा, लग रहा है कि पहले के कंपैरिजन में 16 गुना हो WL³ / पहले के केस में डिफ्लेक्शन हमारा कितना टाइम 6 ऑप्शन नंबर 8 तब होगा जब सिर्फ लेंथ को डबल करें, 8 हमारा तब होगा आप लोगों का बार्क की तैयारी कैसी चल रही है यार एक बार मुझे ये भी बता दो यार, बार्क स्टैपेंड्री ट्रेनिंग की तैयारी कैसी चल रही है, बार्क स्टैपेंड्री ट्रेनिंग की तो मुझे बताओ यार हाउ वाज द तैयारी चल रही है, मुझे भी मैं आप लोगों से वॉरियर्स की तैयारी अच्छी चल, बहुत ही शानदार मतलब मैं आपको बताऊं बहुत, देखो मुझे पता है कि आप ऑप्शन नंबर ए दोगे, नो वेरी वेल कि आप ऑप्शन नंबर ए आंसर, लेकिन इज द नॉट 100% अगर मैं बात करूं तो रैंकाइन साइकिल को टीएस डायग्राम में जब भी हम रैंकाइन साइकिल एक से और दो यहाँ पे हमारा टेम्परेचर भी, अगर इसको हम प्रेशर पे भी ड्रा करते हैं डायग्राम पे भी एक से उसे चार से वन हमारा हीट कर जाता है, चार से वन ही हमारा हीट का रिजेक्शन, जब हीट का रिजेक्शन होता है हमारा प्रेशर भी कांस्टेंट होता है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट, वॉइस ब्रेक हो रही है, तो मुझे बताओ वॉइस एकदम ओके है, वॉइस एकदम ओके है कि वॉइस आपका ओके है कि नहीं, आप लोग बताओ यार अभी आवाज एकदम परफेक्ट है, आवाज एकदम परफेक्ट है, एक बार मुझे कमेंट में बता दो यार ऑडियो आपको, विकास यार प्रोवाइड तो करा दूंगा पहले लाइव, मैं एक बार खुद ही चेक कर, मैं एक बार यहाँ पे राइट आंसर आपको ये होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस पावर प्लांट व्हेन द रीजनरेशन टेक प्लेस एफिशिएंसी विल बी, ब्रेक हो रहा है प्रॉब्लम हो रही
बार ट्राई करते हैं करने का ऐसा। तो ऑब्वियस बात है, अभी अभी मैंने डिस्कशन किया कि प्रेशर जब हमारा रीजनरेशन करेंगे तो फिर बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? अगर बीम की स्ट्रेंथ यूनिफॉर्म है, इसका अगर हमारे बीम की स्ट्रेंथ है उसका तो मुझे लग रहा है कि बीम अगर हमारा यूनिफॉर्म होता है जहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू कॉन्स्टेंट, बेंडिंग स्ट्रेस हमारा कॉन्स्टेंट, वहाँ पे कोई ऑप्शन है तो नन इज द राइट आंसर। हमें पता है यहाँ पे जब लोड आएगा तो बेसिकली बेंडिंग क्या होता है, ये भी हमारा दोनों को इस तरह से चेंज कराते हैं। अब जेड को चेंज कराने के लिए देखिएगा, हमने यहाँ पे इसकी क्रॉस सेक्शन, तो जेड को चेंज करा के हमने क्या किया, जेड को चेंज करा के हमने क्या किया, मोमेंट आपका ऑलरेडी चेंज हो रहा है, मोमेंट आपका ऑलरेडी चेंज हो रहा है, हमने मोमेंट, क्योंकि मोमेंट हमारा क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, मोमेंट हो जाएगा पी, ये डिस्टेंस हमारा, ये आप इसको इधर का एक कैंटिलीवर बीम समझ, इधर हमारा लोड आएगा, हमारा मोमेंट हमारा एक्स के सापेक्ष में मोमेंट चेंज होगा, जेड चेंज कर सिग्मा बी को अगर हमें कांस्टेंट, बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, तो एम अगर आपका चेंज हो रहा है तो जेड को चेंज कराने के लिए इसके क्रॉस सेक्शन जहाँ पे मोमेंट मैक्सिमम है वहाँ पे थिकनेस सबसे ज़्यादा थिकनेस पर, ताकि वहाँ पे आपके साथ तो बेंडिंग स्ट्रेस को कांस्टेंट रखें। इन द वेपर एब्जॉर्प्शन कंप्रेसर इज रिप्लेस बाय, इस 11 साइकिल में हम कंप्रेसर को किससे रिप्लेस करते हैं, आपको को आइडिया है, 11 साइकिल में हम कंप्रेसर को रिप्लेस देखते हैं, आप लोगों में से सबसे पहला रिस्पांस पंप जनरेटर या ऑब्जर्वर, वो पेपर ऑब्जर्वर रेफरेंस हो जाएगा। तो गाइस वाइस इज लग रहा है कि यार तो गड़बड़ है, आंसू कहाँ आ गए थे, सुभाष पटेल को बहुत सारे बच्चे यार लेट आते हैं या शुभम, तो राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा बच्चे। सेंटर ऑफ प्रेशर का फार्मूला क्या होगा, सेंटर ऑफ प्रेशर का फार्मूला क्या होगा, सेंटर ऑफ प्रेशर व्हाट इज द फार्मूला, अब आप लोग एक बार मुझे कमेंट में बताना, अब तो नहीं ब्रेक हो रहा है ना, यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। हाँ बिल्कुल यार, यहाँ पे सेंटर ऑफ प्रेशर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेंटर ऑफ प्रेशर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू फैसिलिट द स्टार्टिंग ऑफ लोकोमोटिव, क्रैंक ऑफ द लोकोमोटिव विल बी प्लेस्ड इन डिग्री ऑफ, जो हमारा लोकोमोटिव का क्रैंक होता है वो कितनी डिग्री पे लगाए, तो मुझे लग रहा है कि 90 डिग्री पर, कितनी डिग्री पे, 90 डिग्री पे। क्रिटिकल स्पीड ऑफ हमारा डिपेंड किस पे करता है, तो क्रिटिकल स्पीड हमारा क्या होता है, तो क्रिटिकल स्पीड हमारा होता है ओमेगा एन, जो होता है अंडर रूट, जो कि एक्चुअली में ओमेगा के बराबर होता है। इस पर्टिकुलर टाइम पे हमारा वाई की वैल्यू, डिफ्लेक्शन की वैल्यू मैक्स, तो राइट आंसर हमारा मास एंड स्टिफनेस का ऑप्शन नंबर सी। अभी मुझे बता दो वॉइस आपको ओके है,
काइनेमेटिक चेन की अगर कोई मैकेनिज्म है तो क्या होगा, कोई भी हमारा काइनेमेटिक चेन, लेट्स सी वो मैकेनिज्म है, लेट्स सी वो मैकेनिज्म है तो क्या होगा, अगर कोई काइनेमेटिक चेन एज अ मैकेनिज्म बिहेव कर रहा तो वो क्या होगा। तो आप लोग एक बात, मुझे अभी कुछ बच्चों की संख्या ज़्यादा दिख रही है, कम हो जाए ऐसा क्यों है? एक हमारा आपका जो कंटिन्यूस सपोर्ट है, प्यार है, देखो एक बात बताओ, इतना डेडिकेशन किसी टीचर में आपको दिख रहा है? मैकेनिकल के इतने डेडिकेटेड टीचर्स का आप मुझे बताओ कोई है जो रेगुलर आप लोगों के लिए सेशन लेकर के आ रहा है, छुट्टी भी नहीं कर रहा है, मन से आपको पढ़ा रहा है, पढ़ा रहा है कि नहीं आप लोग, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। जब मेरी तरफ से इतना डेडिकेशन है तो आप क्यों नहीं? यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम वन ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इन्वर्जन ऑफ सिंपल साइडर क्रैंक मैकेनिज्म, अकरमैन, बी मिंजन, लोकोमोटिव या कोच योपेटे। तो बच्चों मैं आप लोगों के लिए अगर इतना मेहनत कर रहा हूं तो आप प्रात ये बताओ, तीन जो सेट अभी बचा हुआ है आप लोग मुझे बताओ करा दूं पूरा कि नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आठवां, नौवां, दसवां, आठ चैलेंज आपका जो है पार्क वाला, आप लोग आज अगर आप कमिटमेंट कर दो तो मैं करा दूं, वरना कल मैं आप एक बार मुझे कमेंट में सारे लोग बताओ, तभी मुझे भरोसा होगा कि हाँ हर कोई आएगा कल, क्योंकि तो मेरे लिए आपका प्रेजेंस बहुत जरूरी है। बताओ, नहीं ये चीज मुझे सबसे रिस्पॉन्स चाहिए, सभी लोगों से ये जवाब चाहिए, सिर्फ एक बच्ची के जवाब क्या है मेरे को सब लोग बताओ यार। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा यार, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इन्वर्जन ऑफ सिंपल साइडर क्रैंक। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो भैया कल से शाम को 7 बजे जरूर आ जाना प्लीज, मैं रिक्वेस्ट। राइट आंसर बेटा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिप्रेजेंट द इन्वर्जन ऑफ सिंगल साइडर क्रैंक, तो विथवर्थ पिक रिटर्न मैकेनिज्म हो जाएगा बेटा यहाँ पे। नेक्स्ट, वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग ऑफ द मिसिंग गियर कितना होगा, तो दो गियर आपके मिस हैं तो उनकी स्लाइडिंग वेलोसिटी कितनी होगी? गाइस आर प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू, स्लाइडिंग वेलोसिटी कितनी होगी? तो यहाँ पे देखो स्लाइडिंग वेलोसिटी की बात किया जाएगा आपकी यही हो, वी एस की वैल्यू एग्जैक्ट आपकी ये। और याद रखना पिच पॉइंट पे अगर आपसे कभी कोई पूछे कौन से पॉइंट पे, पिच पॉइंट, तो पिच पॉइंट पे हमारी स्लाइडिंग वेलोसिटी एग्जैक्ट जीरो हो जाएगी, पिच पॉइंट पे हमारी स्लाइडिंग वेलोसिटी जीरो। नेक्स्ट, रैक हमारा क्या होता है भाई, फटाफट बताना रैक क्या होता है, सारे लोगों को आना है यार कल शाम को 7 बजे। पिच, मॉड्यूल, डायमीटर, नंबर ऑफ टीथ। तो रैक हमारा ऐसा होता है बेटा, रैक एंड पिनियन में आपको जो रैक होता है उसका डाया हमारा इनफाइनाइट और पिनियन का डायमीटर अपना होता है, और ये बेसिकली हम यूज करते हैं, इसको जो हम यूज करते हैं ऑटोमोबाइल की स्टीयरिंग मैकेनिज्म। एक्सियल थ्रस्ट हमारा कौन से गियर में मिनिमम होता है, फटाफट बताओ कौन से गियर में एक्सियल थ्रस्ट की वैल्यू सबसे कम होती है, सब लोग रिस्पॉन्स करो कौन से गियर में हमारा एक्सियल थ्रस्ट सबसे कम होता है। आप लोग ये बताना, तो मुझे लग रहा है कि डबल हेलिकल गियर में एक्सियल थ्रस्ट सबसे कम होगा, जिसको हम हेरिंग बोन गियर भी बोलते हैं। एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट ऑफ रेडियस आर रोल विदाउट स्लिपिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल लेवल, फ्लोर विद द सेंटर हैविंग द वेलोसिटी वी, वेलोसिटी एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब ये कैसे आपका क्वेश्चन। ओके लेट्स सी इसको समझते हैं यार। ओके एक सरफेस है, एक इस पे हमारा ऑब्जेक्ट, इसके सेंटर पे हमारी वेलोसिटी, आपको बोला कि इन दोनों के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, देखो वेलोसिटी हमारा होता है ओ ए इंटू ओमेगा। अब सवाल है कि अगर ये ओ है और ये ए, ओ ए की वैल्यू हमारी नो डाउट सेंटर पे हमारा रेडियस की, तो हमारा वी हमारा क्या हो जाएगा आर इंटू, लेकिन इसने सेंटर पे ना पूछ के पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे पूछा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर
बेटा इसलिए अपसेट हो कि बच्चों की संख्या जो है ना फ्लक्चुएट करती रहती है, आप लोग कमिटमेंट करके बच्चों, बड़ा दुख होता है, बस यही बात का दुख है। मैं इतना आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, डेडिकेशन दिखा रहा हूँ, तपस्या कर रहा हूँ, घंटों घंटों आप लोगों के लिए क्वेश्चंस की पैक तैयार कर रहा हूँ, यहाँ पे बेटा जीरो हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपका आर की वैल्यू, इस पॉइंट पे हमारा आर जीरो है, ऑटोमेटिक हमारी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इन द मैकेनिज्म नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर, बहुत आसान है यार, किसी भी मैकेनिज्म में इंस्टेंटेनियस सेंटर निकालने का फार्मूला क्या होगा, एन एन माइनस बार बटा टू। नेक्स्ट इसका आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम बताना है, तो भाई देखिए यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ लिंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, पाँच, और नंबर ऑफ लोअर पेयर भी हमारा कितना हो जाएगा, पाँच हो जाएगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा अगर आप कट बैच फार्मूले से निकालने जाओगे, माइनस वन माइनस टू, एड पेयर की संख्या कितनी है, जीरो है, तो थ्री इंटू पाँच माइनस वन इंटू पाँच हो जाएगा पाँच, तो बारह माइनस दो, मतलब ऑप्शन नंबर सी, दो मतलब ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, आपको इसमें बताना है कोरोलिसिस एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, फटाफट मुझे बताओ, आपको यहाँ पे कोरोलिसिस एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी आप मुझे बताओ। अच्छा क्वेश्चन सर, ट्राई करना यार आप लोग तो जरूर, हाउ मच वैल्यू ऑफ कोरोलिसिस, लेट मी नो यार, जल्दी से मुझे रिस्पॉन्स करो। देखो आपको पता है कोरोलिसिस एक्सेलरेशन की वैल्यू ए सी सी हमारा होगा इंटू वी एस इन टू इंटू वी एस, स्लाइडिंग वेलोसिटी कितनी है बेटा 12 मीटर पर सेकंड, और ओमेगा, यही तो गलती होता, ओमेगा को डायरेक्ट मत रखना, 2 इंटू पाई की जगह पे 22 बटा 7 इंटू एन की जगह पे 100। अब आप सॉल्व करोगे तो मुझे बताना है कितना आंसर, यहाँ पे 300। तो आज ये क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में मिलेगा, आप लोग तो ट्राई करना, आप लोग ट्राई करना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, क्वेश्चन ट्राई करना जरूर, और वीडियो के नीचे कमेंट के जरूर। दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, कल जो आपका है चैलेंज नंबर 8-9 तीन सेट आप लोगों को और करवाने वाले, नीड योर हेल्प गाइस। फिर उसके बाद मंडे से शुरू करेंगे एक कंसेप्ट की सीरीज, आप लोगों को आप लोग देख सकते और तगड़े तरीके। तो आज के सेशन को यहीं पे ओवर किया जाए, राय दिया जाए, आप लोग मुझे बताओ, सभी लोग पहले तो सेशन को लाइक कर दो, सभी लोग सेशन को लाइक कर दो बेटा, ठीक है, चलो शानदार तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज की क्लास हो गई, आज की क्लास हो गई, बहुत ही मजा आया। तो गाइस थैंक यू फॉर टुडे क्लास, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, और बाकी तो देखो एक चीज मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, ज़िंदगी में हम हमेशा आप लोगों के लिए खड़े हैं, अगर आपको मैकेनिकल वगैरह के साथ देखो एक डेडिकेटेड इंटर्नशिप चाहिए बेटा, तो गूगल पे सर्च करना Adda24, जो आपको इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल एजुकेशन दे रहा, घर बैठे अपनी मम्मी पापा के लाखों रुपए को बचा सकते हैं, ट्रस्ट मी आपको ज्वाइन करने के बाद कभी ऐसा एहसास नहीं होगा कि आपने गलत जगह इन्वेस्ट, और आपको बेस्ट कंटेंट मिलेगा। मैं आपको मैकेनिकल से रिलेटेड इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, आप चाहो तो इसमें आप खुद मैकेनिकल में HPCL जितने भी बड़े बड़े एग्जामिनेशन हैं, सारे एग्जामिनेशन के अलग अलग बैचेस भी दे सकते हो, चाहो तो एक जगह आपको एक पैकेज मैकेनिकल का महापैक है ना, मैकेनिकल का महापैक, मैकेनिकल के महापैक 3100 रुपये यहाँ पे दिख रहा है, मैंने उससे भी कम आप लोगों की प्राइस करा दी, ताकि हमारे बच्चों पर लोड ना पड़े। इसको देखो यहाँ पे बाई नाउ पे जाकर के व्यू ऑफर में पर देख लेना, BD77 के जगह पे ये कोड मैं आपको बता दे रहा हूँ बच्चों। देखो नो डाउट हर कोई दुनिया में बिजनेस कर रहा है, लेकिन हमने एजुकेशन को हमेशा अफोर्डेबल बनाया है, हर एक बच्चा कोर्स को अफोर्ड कर। मैं बहुत जल्दी विकास बनाऊंगा, ये देखो 2900 रुपये का हमने इसको, और एक आप लोगों के लिए मीडियम कि अगर आपके पास Adda का ऐप होगा, ये 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन अराउंड 2700 रुपये का,
मात्र 27। तो जाओ ज्वाइन करते समय ये कोड याद रख रहा है, कूपन कोड जो है यहाँ पे पूछ रहा है, गेट गॉट ए कूपन कोड हियर, ये वाला कोड एक बार। थैंक यू गाइस।